हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिशा क्लासेज। दिशा क्लासेज में आप हम हरियाणा की जो प्रशासनिक संरचना है, हरियाणा में जो प्रशासनिक संरचना में जो 22 ज़िले बताए गए हैं 2021 में, तो उस प्रशासनिक संरचना में किस ज़िले की स्थापना किस वर्ष की गई, आज हम वो पढ़ेंगे। ये बिगनर्स के लिए भी उतना ही उपयोगी है जितना HCS के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए है। तो ये HCS या HSSC के सभी एग्ज़ामों में समान रूप से उपयोगी है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया तो 7 जिले थे, अम्बाला, करनाल, रोहतक, गुरुग्राम जिसे अब गुरुग्राम कहते हैं, उस टाइम गुड़गांव कहते थे, महेंद्रगढ़, हिसार और जींद। ये 7 ज़िले थे। इन 7 ज़िलों के बाद ये आपको इसकी PDF है, वो RPSC बाई दिशा का जो मैडम का टेलीग्राम पेज बना हुआ है आपको वहाँ मिल जाएगी। उसके बाद भिवानी, 1972 में दो और जुड़ गए, भिवानी और सोनीपत। कब जुड़े ये 22 दिसंबर 1972 को जुड़े। अब जिलों की संख्या 7 और 2 9 हो गई। उसके बाद में अगला ज़िला बना कुरुक्षेत्र 23 जनवरी 1973 को, सिरसा बना 26 अगस्त 1975 को, फरीदाबाद बना 2 अगस्त 1979 को। तो ये हरियाणा के अलग अलग ज़िलों की सीक्वेंस है। आगे इससे महत्वपूर्ण सवाल बना के आपको बताएंगे, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को पूरा देखें। फिर एक साथ 4 ज़िलों की स्थापना 1989 यानी 1989 में की गई, लेकिन तारीख हरियाणा का स्थापना दिवस ही रखा गया, जो थी यमुनानगर, कैथल, पानीपत और रेवाड़ी। ये चारों ज़िले एक साथ बने। अब सवाल किसी भी रूप में आ सकता है, निम्नलिखित में से किन 4 ज़िलों की स्थापना एक साथ नहीं की गई, उनमें इन चारों में से हटा के फरीदाबाद जोड़ दिया, तो हमें ये चारों को भी ध्यान रखना है। पंचकुला एकमात्र ऐसा ज़िला है जो देश की आज़ादी के दिन, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है भाई, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो स्वतंत्रता दिवस के दिन स्थापित हुआ था। तो स्वतंत्रता दिवस को हमारा जो ज़िला स्थापित हुआ था वो था पंचकुला। उसके बाद झज्जर और फतेहाबाद, ये दोनों भी 15 जुलाई 1997 को बने। ये 2 ज़िले हैं जो एक साथ स्थापित हुए हैं। मेवात जो चर्चाओं में बहुत रहता है, इसकी स्थापना कब की गई, 4 अप्रैल 2005 को। तो ये कौन से नंबर का ज़िला हो गया, ये 20वें नंबर का ज़िला हो गया। 21वें नंबर का पलवल और 22वें नंबर का चरखी दादरी। तो पलवल की स्थापना 13 अगस्त को और चरखी दादरी की स्थापना 1 दिसंबर 2016 को हुई। जब हम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं भी हरियाणा में कुल ज़िले कितने हैं, तो हरियाणा में कुल ज़िले 22 है। आज़ादी के 1966 में स्थापना जब हुई उसके टाइम 7 ज़िले थे। वो किस सीक्वेंस में बने अभी हमने आपको वीडियो में बताया। तो ये वीडियो में बताने का मकसद ये था कि आप एक तो इनका सीक्वेंस समझ लें, फिर अगली बात आती है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बार बार एक सवाल तो पूछने से रहा, तो वो सवालों की प्रकृति थोड़ी चेंज कर सकता है, तो हम उसे रेफरेंस में भी देख लें। नवंबर माह में हरियाणा के कुल कितने ज़िलों की स्थापना हुई, नवंबर महीने में कुल कितने ज़िलों की स्थापना हुई, तो वो हुई 11 डिस्ट्रिक्ट की। और सबसे बढ़िया बात क्या है, 1 नवंबर यानी हरियाणा का जो स्थापना दिवस है उसी दिन इन 11 की स्थापना हुई। 7 एक साथ हुए 1 नवंबर 1966 को और 4 एक साथ हुए, तो ये 11 ज़िले हैं। फिर बाकी दिसंबर महीने में कितनों की स्थापना हुई, तो दिसंबर महीने में 3 ज़िलों की स्थापना हुई, भिवानी, सोनीपत और चरखी दादरी। तो सवाल आ सकता है निम्नलिखित में से किस ज़िले की स्थापना दिसंबर माह में नहीं हुई, तो भिवानी, सोनीपत, चरखी दादरी के अलावा कोई भी एक ज़िला और दे के आपसे सवाल पूछा जा सकता है। फिर अगस्त माह में कितने ज़िलों की स्थापना हुई, तो अगस्त माह में 4 ज़िलों की स्थापना हुई, सिरसा, फरीदाबाद, पंचकुला और पलवल, जिसमें पंचकुला इम्पोर्टेंट क्यों है, मैंने आपको कहा ये स्वतंत्रता दिवस के दिन बना था इसलिए महत्वपूर्ण है। बाकी अगस्त माह में 4 ज़िलों की स्थापना हुई। ये वीडियो है, इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल RPSC बाई दिशा पे मिल जाएगी, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप इसको नोट नहीं कर रहे। फिर जुलाई महीने में कितने ज़िले बने, जुलाई महीने में 2 ज़िले बने, झज्जर और फतेहाबाद, दोनों की स्थापना एक ही दिवस को 15 जुलाई 1997 में हुई थी, तो जुलाई माह में 2 ज़िलों की स्थापना हुई। जनवरी में कितने ज़िलों की स्थापना हुई, जनवरी में एकमात्र एक ही ज़िला बना कुरुक्षेत्र। अब सवाल कैसे आ सकता है, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस ज़िले का स्थापना महीना जनवरी है,
तो कुरुक्षेत्र, झज्जर फतेहाबाद मेवात चार दे दिए तो कुरुक्षेत्र। इसी तरह अप्रैल में मेवात है, ये इम्पोर्टेंट जिला है क्योंकि पिछड़ेपन की नेशनल जो इंडिकेटर है उसमें इस जिले को रखा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 2005 को। तो हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी स्थापना अप्रैल माह को ही? तो ये मेवात जिला। तो ये हरियाणा के जिलों का सीक्वेंस था। इसके अलावा एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, हरियाणा में मंडल कितने हैं? 6, जिले 22, उपमंडल 74, तहसील 94 और उप तहसील 49, खंड कितने हैं? 142, कस्बे 154 और गांव है 6841। ये गांव कौन से गांव हैं? ये राजस्व गांव है, तो जहाँ से जो रेवेन्यू के लिए जुड़े हुए हैं तो राजस्व गांव। इसमें ये दो डाटा है, ये उल्टा है, तहसील है 94, ये उप तहसील 49, दोनों डिजिट एक दूसरे के उल्टे हैं, तो ये याद करने की हमने सीक्वेंस की थी। इसके अलावा भी बहुत सारे पैरामीटर हैं, वो हम अगले वीडियो में साथ साथ करते रहेंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें और अपने दोस्तों से इसे शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।